अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, आज जो है मैं दो दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली छोटा जो मेरा बेटा है, उसकी तबीयत जो है ना ख़राब हुई हुई थी। अब्दुलाहत की तबीयत, छोटा क्या, एक ही बेटा है मेरा, उसकी तबीयत जो है ना ख़राब हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। उसको फ्लू हुआ था और बस उसको जो है ना ठंड लग गई थी इस वजह से। तो बस आपको पता है, जब बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर उनमें ही जो है ना सारा दिन गुजर जाता है और फिर बंदे को कुछ भी करने का होश नहीं रहता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो भी सारा जो है ना रेडीमेड व्लॉग समझ लें आप, है कि इसमें जो है सब कुछ रेडीमेड होता रहेगा। और मैंने जो है घर पर भी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि सारा दिन उसके साथ मैं लगी रही थी और हस्बैंड भी मेरे बीमार हैं और अब्दुलहद भी बीमार है। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि ये दोनों जो है ना इकट्ठे बीमार हो जाते हैं, बाप बेटा, और फिर जो है ना मैं इनको संभालते संभालते एंड फिर मैं भी बीमार हो जाती हूँ। तो अक्सर तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम तीनों लाइन में एक साथ हो जाते हैं बीमार, और फिर देखने वाला भी कोई नहीं होता, वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक आधा जो है वो बीच में ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन अब आज जो है ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गला जो है मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और छींकें और ये सब कुछ जो है वो शुरू हो गया। मेरी बारी आ गई है अब, तो खैर अब ये सब कुछ तो चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी अनार का जूस, और अनार का जूस जो है वो इसी जग में बनता है, वो जूसर में नहीं बनता है। और मेरे पास जो है ना वो बड़ी वो छाननी नहीं थी, तो इसमें ज़रा छानने में ना थोड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, थोड़ा थोड़ा डाल के और चम्मच के साथ इसको फिर मैंने वो छाना, और जो है ना कहीं जा के आधे घंटे बाद ये जूस निकला था। बहुत मुश्किल से ये जूस जो है ना हमने निकाला। तो जनाब, जब व्लॉग मैंने दो दिन नहीं बनाया तो मुझे मैसेजेस आते रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, और जो है हम वेट कर रहे थे। एक बच्ची ने भी मैसेज किया था कि मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही होती हूँ और आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाली है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, माशाल्लाह से बड़ी जो है ना मुझे खुशी होती है कि इतनी चाहत करते हैं आप सब लोग। तो थैंक यू सो मच आपकी इस चाहत के लिए, आपकी इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मोहब्बत की वजह से ना बस मैं मजबूर हो गई हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना व्लॉग बनाना है और जल्दी से अपलोड करना है, कि बस अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा मेरे से। तो इसीलिए जो है ये छोटा सा ही व्लॉग है आज का, क्योंकि आपका मैंने जैसा कि बताया है कि बहुत ज़्यादा मैंने ज़ाहिर है घर को टाइम नहीं दिया है, तो बस इस वजह से जो है ना छोटी छोटी सी जो भी हमारे घर में एक्टिविटीज़ चलती रही हैं साथ साथ जो है मैं वो रिकॉर्ड करती रही हूँ। तो खाने में जो है ना मैंने ये बारबेक्यू मंगवा लिया था, क्योंकि वही फिर बात के खाना नहीं बनाया हुआ था, तो फिर ये जो है मंगवा लिया था हमने हस्बैंड के लिए भी और मैंने भी, और थोड़ा बहुत अब्दुलहद को भी खिला दिया था जो जितना उसने खाना होता है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चले अब्दुलहद को ना थोड़े से मैं ये फ्राई कर देती हूँ, चिकन ये पॉपकॉर्न्स फ्राई कर देती हूँ, वो खा लेगा ये थोड़े से। और अब्दुलहद की जो है वो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती रहती हूँ। अब्दुलहद जो है ना, जब एक तो वैसे ही कुछ नहीं खाता है वो, बहुत कम जो है ना चीज़ें उसको पसंद आती हैं। वैसे ये पहले ऐसा नहीं करता था, पता नहीं क्यों ऐसे करने लग गया। और जब ये बीमार हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही बच्चा, वैसे ही नॉर्मल इंसान भी जो है बीमारी में उससे कुछ नहीं खाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये ज़िद्द करता है खाने के मामले में और परेशानी होने लग जाती है अक्सर, तो कि ये कुछ भी नहीं खाएगा तो ये क्या करेगा। तो आप लोग मेरे साथ कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करें, मैं इसको क्या बना के दिया करूँ जो इस पसंद से शौक़ से इसको जो है ना वो चीज़ पसंद आ जाए और ये शौक़ से खुशी से वो चीज़ खा ले। तो जनाब, ये सब करने के बाद शाम में जो है हम लोग बाहर गए थे, हस्बैंड का एक्चुअली आ रहा है कॉलेज का स्पोर्ट्स डे, तो हम पहले भी मैंने आपको जो है दिखाया था, शेयर किया था आपके साथ कि हम लोग बाज़ार घूमते फिरते रहते, ट्राउज़र लेना था वाइट, आपको मैंने बताया था, तो वो हमें नहीं मिला था, तो वो स्पोर्ट्स शॉप से ही मिलना था, तो वो लेके आए थे स्पोर्ट शॉप से, हम ट्राउज़र ले आए थे। ये अवान टाउन में है एक स्पोर्ट शॉप, वहाँ से हमें ट्राउज़र मिल गया था, तो हम वो ले आए थे। और जी उसके बाद रात में फिर वही खाना जो है हमने फिर बाहर से मंगवा लिया था, सब्ज़ी भी नहीं ली हुई थी और जो है वो टाइम भी नहीं था इतना, तो ये फिर यानी आज सारे व्लॉग में जो है ना बस ऑर्डर्स आते रहे हैं मेरे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अभी आगे और भी एक दो आपको ऑर्डर्स नज़र आएंगे, तो ये ऑर्डर वाला जो है व्लॉग आज आ गया है सारा।
तो खैर जी, खाना शाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी चाय बना ली थी, और चाय जो है ना, मैं चाय में ना थोड़ी सी मसाले वाली जो चाय होती है ना वो बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे भी पसंद करते हैं, और वैसे जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो कुछ जो है ना ज़्यादा वो करते हैं कि मुझे चाय मिले। चाय से ज़रा उनको होता है कि मेरे गले को थोड़ा सुकून मिलेगा। तो मैं ये चाय में ना थोड़ी सी जो है ना सौंफ और दालचीनी भी डाल देती हूँ, ताकि जो है ना ये एक तो ज़रा पकती है चाय, तो इसका जो है वो असर अच्छा होता है गले के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए ना ये वाली चाय बहुत अच्छी होती है। और बच्चों के भी जो है ना ज़रूरी है, ये चीज़ें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कहवा तो बच्चे नहीं पीते हैं, अक्सर बच्चे पी भी लेते हैं शौक़ से, लेकिन अब्दुल्ला कभी कभी चाय जो है ना वो शौक़ से ले लेता है। तो मैं कहती हूँ इसीलिए चाय में जो है ना ये चीज़ें बंदा डाल ले। कहवा अगर वो ना पिए डायरेक्ट, तो चले चाय के ज़रिए 2-3 चम्मच भी चाय वो पी ले, तो उसके जो है ना अंदर ये चीज़ जाएगी, तो उसको थोड़ा सा सुकून होगा, उसको आराम होगा, उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। और जी फिर आ गया ऑर्डर। वैसे आज दराज का ऑर्डर तो काफ़ी दिनों बाद आया, आपने देखा था कि मेरी बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन आगे आपको अब फिर 3-4 दिन जो है ना अब दराज नज़र आने वाला है। कुछ ऑर्डर्स मैंने किए हुए हैं, तो जैसे जैसे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मैंने मंगवाया था जी ट्रैक सूट अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने कॉलेज जाना होता है तो कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, छुट्टी तो वो कर नहीं सकते हैं, तो उनको जो है ना ट्रैक सूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सर्दियों में वैसे भी आपको पता है कि नमी नमी सी इतनी होती है कि सारे कपड़े जो है ना वो गीले हो जाते हैं। वैसे भी जिस एरिया में उन्होंने जाना होता है वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी थी उनके लिए, ये भी उनको मंगवा के दी। और उसके बाद जी अब्दुल्लाहत के लिए कुछ चीज़ें मंगवानी थी वो मंगवाई, फूड पांडा से ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर भी आ चुका था, ये ऑर्डर भी जो है रिसीव कर लेते हैं। सारा दिन बस हम ऑर्डर लेते रहे हैं और ऑर्डर्स जो है ना वो करते रहे हैं बैठे घर पर। तो ये चीज़ें जो है अब्दुल्लाहत के आगे सीरिलैक्स का फिनिश हुआ था, और ये बाकी चीज़ें मैं निकालती जा रही थी और वो ख़त्म होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी। अब्दुल्लाह से कोई भी चीज़ जो है ना बेड पे बर्दाश्त नहीं होती है, वो बस कभी बेड के पीछे और नीचे बस इधर उधर फेंक देता है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है ना वो रखी नहीं रहने देता एक जगह पे। फिर भी खैर मैंने जो है वो सेट करके आपको दिखा ही दी हैं। आप लोग सोचते होंगे वैसे क्या मैं हर वक्त जो है ना बस यही चीज़ें दिखाती रहती हूँ, तो मैं जो करती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई ये पार्ट जो है ना आप हमें ना दिखाया करें, ये फूड पांडे वाला तो मैं आपको वो नहीं दिखाऊँगी। तो इसके बाद जी ब्रेड मैंने मंगवाई थी, तो मैंने कहा चले अब्दुल्लाह को जो है ना थोड़ा सा मैं वो खिला देती हूँ, उसे भूख भी लगी हुई है, ज़ाहिर है मेडिसिन भी खा रहा है तो फिर बच्चे को भूख तो लगनी है, तो मैंने सोचा जैम ब्रेड जो है ना उसको खिला देती हूँ, मे बी इसको ये पसंद आ जाए और ये खा ले। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है छोटा सा मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, उम्मीद तो है, अल्लाह करे बस मेरी तबीयत ना ख़राब हो। आप सब दुआ कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।